हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन 2021-22 भर्ती काफी डिले हो गई, लेकिन कहते हैं कि मंजिल पर पहुंचने का सुकून रास्ते की तकलीफों को भुला देता है, तो वो मंजिल आ गई है। आप लोगों की ज्वाइनिंग लेटर्स आज बाई हैंड आप लोगों को देना था रोजगार मेले में, लेकिन 2 दिन पहले ही मैसेजेस आए कि वो रोजगार मेला कैंसिल हो गया। रोजगार मेला कैंसिल हो गया है, लेकिन आपके ज्वाइनिंग लेटर जो है वो उनके ऊपर सिग्नेचर आज की डेट में हो रहे हैं और ज्वाइनिंग लेटर तैयार हो रहे हैं। ऑफिस में पूरा काम चल रहा है और आपको कौन सा डेट आपको दिया जा रहा है ज्वाइनिंग का, वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये जो है ज्वाइनिंग लेटर, यहां से आप देखें, ये सीमांत मुख्यालय उत्तर बंगाल की तरफ से जारी एक ज्वाइनिंग लेटर है। अभी दिख पा रहा है? दिख रहा है? तो इसमें देखिए, यहां पर आपको कहा गया है कि यदि आप ये नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार है तो नियुक्ति की औपचारिकताएं पूरी करने तथा आगे की ड्यूटी के लिए आप दिनांक 13 जुलाई 2023 को, साफ लिखा गया है दिनांक 13 जुलाई 2023 तक नहीं है। हो सकता है किसी ज्वाइनिंग लेटर में 23 तक भी हो, लेकिन जो उत्तर बंगाल सीमांत मुख्यालय की तरफ से जो ज्वाइनिंग लेटर जारी हो रहे हैं, ये तस्वीर आपको दिखाया, ये ईमेल से आज कैंडिडेट्स को रिसीव भी हो गया है और 13 का ही सिग्नेचर है। क्या 13 को ही रिसीव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, आज रिसीव हुआ है तभी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल सील लगा हुआ है, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स क्या होता है कि थोड़ा, जिसको कहते हैं ना कि जा रहे हैं फौज में लेकिन दिमाग वकील वाला रखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इस पर ये नहीं है, इस पर वो नहीं है। इतना क्लेरिकल मिस्टेक छोटा मोटा हो सकता है, सिग्नेचर है और कहां से जारी हुआ है वो सब है और डेट दिया है, तो 13 जुलाई 2023 आप लोग तैयार हो जाइए बीएसएफ ट्रेड्समैन 2021-22 जो कैंडिडेट। अब इससे पहले क्या एसएससी जीडी का मेडिकल हो जाएगा? क्योंकि काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो एसएससी जीडी का उनका मेडिकल भी होना है और उनको ये शंका है कि मैं ज्वाइन कर लूंगा तो उसके बाद मुझे छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये आप जहां भी ज्वाइन करेंगे वहां का जो सक्षम प्राधिकारी है उन पर डिपेंड करेगा, लेकिन जनरली क्या होता है कि देखिए इस तरह का जो है मसला उसमें कैंडिडेट्स को छोड़ दिया जाता है। ये आपको कहां ज्वाइन करना है, इनको तो इनको फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ पंजाब में इनको ज्वाइन करने के लिए कहा गया है और फ्रंटियर वाइज ज्वाइनिंग होगा। उसके बाद फ्रंटियर से आपको, यानी फ्रंटियर मतलब है आईजी हेडक्वार्टर, वहां ज्वाइनिंग होगा आपका। उसके बाद आपको आगे यूनिट में या सेक्टर हेडक्वार्टर में या जहां भी ट्रेनिंग सेंटर में जहां पर आपकी पोस्टिंग दी गई है वहां पर आपको भेज दिया जाएगा। क्या ट्रेनिंग अभी होगी? ऐसा नहीं होता है, जनरली ट्रेनिंग जो है वो बाद में होता है, ज्वाइनिंग के 4-6 महीने बीत जाते हैं उसके बाद ट्रेनिंग होता है। जैसा कि जो 2019 वाले जो कैंडिडेट्स थे उनका भी बाद में ही हुआ है। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जो बीएसएफ ट्रेड्समैन 2021-22 फाइनल सेलेक्ट हो गए हैं, भाई बहन जो प्रहरी परिवार का सदस्य बन गए हैं, उनको हार्दिक बधाई। और 13 जुलाई से आप लोगों की ज्वाइनिंग जो है वो है। उससे पहले आपको क्या करना है, एक तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप अपना खाता खुलवा लीजिए, चेकबुक के लिए दरख्वास्त लगा दीजिए, एटीएम कार्ड आपके पास हो और दूसरा पैन कार्ड आपका बना हुआ होना चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं उसके बारे में इसमें साफ साफ इसमें लिखा गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वो पूरा इसमें दिया गया है। इसमें दिया है कि शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताओं के प्रमाण पत्र। तकनीकी योग्यता मतलब आपका जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह जो है, और उसमें यह भी कहा है कि नियुक्ति की औपचारिकताएं पूरी करते समय आपको निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के साथ प्रत्येक की फोटो प्रति स्वयं से अनुप्रमाणित किसी राजपत्रित कमीशन प्राप्त अधिकारी से अनुप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करनी होगी। सेल्फ अटेस्ट भी दे सकते हैं या आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो किसी गजटेड अफसर से या कमीशन अफसर से सिग्नेचर करवा के उसको अटेस्ट करवा के दे सकते हैं। शैक्षणिक और अन्य तकनीकी योग्यताओं के प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र जो कि 10th ही इसमें शैक्षणिक है और 10th ही इसमें 10th का ही जो है आयु के लिए चाहिए। 2 राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो आपका ज्वाइनिंग लेटर के साथ प्रारूप आएगा उसके साथ।
उस पर बनवाना है। यदि आप अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते हैं तो उसका प्रमाण पत्र EWS भी इसमें शामिल है, और यदि आप वर्तमान में सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में हैं तो वर्तमान विभाग से निर्धारित प्रारूप में सेवा मुक्ति मुक्ति का प्रमाण पत्र और किसी राजपत्रित अधिकारी से विधिवत सत्यापित पासपोर्ट आकार के 5 फोटो, वेतन का भुगतान हेतु भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्वयं के नाम पर ATM सुविधा के साथ खोले गए बचत खाते का विवरण विथ IFSC एंड BSR कोड, जो कि आपका चेकबुक जो होता है उसके ऊपर होता है, पैन कार्ड आधार कार्ड एंड कैंसल चेक। और यदि चेकबुक आपका तब तक नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, चेकबुक आपके घर पे आएगा, उसको आप स्पीड पोस्ट से आप अपने सेंटर पर मंगवा सकेंगे। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स, उनको फिर से मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि प्रहरी परिवार का सदस्य आप हो गए हैं। ये जो आपका समय है घर पे इंतजार करने का, एंजॉय कीजिए, घर परिवार के साथ में समय व्यतीत कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।